अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने कार्य समिति का ऐलान कर दिया है। सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट और शशि थरूर की एंट्री हुई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, एके एंटनी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी, आनंद शर्मा समेत कुल 39 नेता शामिल हैं। बता दें कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सचिन पायलट, शशि थरूर, अशोक चव्हाण के रूप में नए नाम सामने आए हैं। वर्किंग कमेटी में शामिल किए जाने को लेकर सचिन पायलट का रिएक्शन सामने आया है। सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए लिखा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर मैं आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी और पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा को सशक्त करते हुए उसे और अधिक मजबूती से जन जन तक पहुंचाएंगे। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किए गए शशि थरूर ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को धन्यवाद कहा। I am honored by the decision of the Indian National Congress President Shri Mallikarjun Kharge ji and the Congress Central Leadership to make me a full member of the Congress Working Committee. As one who's been aware for the longest time of the historic role played by this body, the CWC, in the 138-year history of the Congress, I am deeply humbled and grateful to be part of this major institution alongside my valued colleagues. I have to say that none of us can truly accomplish anything without the lakhs of committed party workers who are the lifeblood of the party. Today, above all, I bow to them. It is their work that keeps the Congress going, and the countless Indians who seek a more inclusive and accepting India deserve the very best we can offer them. I will play my part. Thank you and Jai Hind. बता दें कि पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि 30 सदस्यों के अलावा 32 स्थायी सदस्य हैं, जबकि 9 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। वहीं यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस और सेवादल के अध्यक्षों को भी जगह दी गई है। बता दें कि CWC का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। कांग्रेस में फैसले लेने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी है। हालांकि पुरानी वाली कमेटी से इस नई कमेटी में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। सूची जारी करने से पहले पिछले कई महीनों से बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कई बैठकें की हैं।